केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पार्टियां अभी से तोड़फोड़ और गठजोड़ में लग गई हैं। एक ओर जहां वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी पुरानी पार्टी को झटके पर झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी में नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है। भाजपा को भी जम्मू कश्मीर में एक ऐसे साथी की तलाश है जो सामने से तो अलग हो लेकिन अंदर से उनका साथ दे। हाल ही में कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। उनके इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा कांग्रेसियों ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई बड़े गैर मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस्तीफे का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ और कद्दावर नेताओं ने भी गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर जाता है उसके निशाने पर राहुल गांधी ही क्यों रहते हैं। अब चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह या गुलाम नबी आजाद, सभी ने राहुल गांधी को जरूर निशाने पर लिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल को कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ते समय निशाने पर लेना भाजपा को सूट करता है। इससे राहुल गांधी की छवि खराब होती है और कांग्रेस के विपरीत जनभावना बनाने में मदद मिलती है, जिसका भाजपा को सीधा फायदा मिलता है। उत्तराखंड के एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव जीतते जीतते हार गए, वहीं भाजपा यूपी में भी सत्ता परिवर्तन से घबराते घबराते चुनाव जीत गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी लगातार एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी लगातार अपने अंदाज को बदल बदल कर राजनीति में लोकप्रियता और रोचकता दोनों बनाए रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक राज्य में चुनाव खत्म होते ही दूसरे राज्य के चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कभी आराम परस्त रवैया नहीं अपनाता। भाजपा की ये रणनीति जब तक विरोधी समझते हैं तब भाजपा अपनी पटकथा लिख चुकी होती है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। यहाँ बीते एक साल में गुलाम नबी आजाद 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में ये बात तो साफ है कि वे अपनी नई पार्टी के साथ राजनीति में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजाद सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, वे आने वाले चुनावों में देश के अलग अलग राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर आजाद की पार्टी जम्मू कश्मीर में 10 या इससे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो इससे बीजेपी की मदद से वे यहाँ सरकार भी बना सकते हैं। वैसे भी भाजपा को यहाँ एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो भाजपा का ना होकर भी अंदर से उनके साथ हो। ये काम गुलाम नबी आजाद बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा से उनके अंदरूनी रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।